मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। नौतपा में एमपी के कई शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को ग्वालियर, चंबल और मालवा निवाड़ में भीषण गर्मी के साथ लू का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिन धीरे धीरे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या डी सुरेंद्र ने बताया कि आगरमालवा, अनूपपुर, अशोकनगर, भिंड, भोपाल, छतरपुर, दमोह, दतिया, पूर्वी निवाड़, गुना, ग्वालियर, कटनी, मैहर, मंदसौर, मऊगंज, मुरैना, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रीवा, सागर में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी भोपाल के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। आगामी 1-2 दिनों में टेम्परेचर और कम होने की संभावना है। अभी देखा गया तो मध्य प्रदेश में काफी जगह में पिछले 2 दिन में बहुत ज्यादा गर्मी दर्ज किया है। काफी जगहों में सीवियर हीटवेव और हीटवेव चल रही थी, तो वो स्थिति में अभी थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो रही है 1-2 दिन में। तो हमने जो कल तक जहां पे रेड अलर्ट दिए थे वो अभी ऑरेंज में रिड्यूस कर रही है, और ये लू का वार्निंग अगले 2 दिन तक रख रही है, स्पेशली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, ईस्ट एमपी का और वेस्ट एमपी का, ग्वालियर चंबल रीजन और खजुराहो छतरपुर वो रीजन में आज और कल भी 45 के आसपास टेम्परेचर दर्ज करने का चांसेस है। तो वहां पे हमने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रहे हैं, कल के लिए येलो कर रहे हैं। धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने का चांसेस है अभी आने वाले दिनों में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।